हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम एंड इनर्शिया टेंसर। तो अगर आप आज का टॉपिक अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पिछला वीडियो देखा होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस टॉपिक में हमने क्या किया था, हमने एक रिजिड बॉडी जो है कंसिडर की थी, और ये रिजिड बॉडी जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही थी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। उसी टॉपिक में हमने इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस फिक्स्ड पॉइंट ओ के अबाउट, और उस एंगुलर मोमेंटम के जो कंपोनेंट थे एल एक्स, एल वाई, एल जेड, ये तीनों कंपोनेंट जो हैं वो फाइंड किए थे। और वो तीन कॉम्पोनेंट्स क्या क्या निकल के आए थे, वो निकल के आए थे एल एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड, एल वाई जो निकल के आया था वो निकल के आया था आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड, और एल जेड निकल के आया था हमारे पास आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो एल एक्स, एल वाई, एल जेड जो हैं वो इस रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम जो होगा इस फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट, उनके कॉम्पोनेंट्स थे। तो इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था, एल एक्स, एल वाई, एल जेड, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, आई जेड जेड, और यहाँ पे हमने ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड लिखा था। तो ये वाली जो मैट्रिक्स थी 3x3 की मैट्रिक्स, ये हमारा इनर्शिया टेंसर था जिसको हमने डिनोट किया था आई डबल हेडेड एरो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L वेक्टर इज इक्वल टू I डबल हेडेड एरो ओमेगा वेक्टर, जहां पर हमारे इस इनर्शिया टेंसर जो 3x3 मैट्रिक्स से हमने रिप्रेजेंट किया था, इसमें 9 एलिमेंट्स थे। और वो 9 एलिमेंट्स कौन कौन से थे, जो आई एक्स एक्स था वो था हमारे पास समेशन आई एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, आई वाई वाई था हमारे पास समेशन आई एम आई, यहाँ पर वाई वाई है तो यहाँ पर वाई नहीं आएगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर आएगा यहाँ पर, आई जेड जेड जो था वो था समेशन आई एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर, और जो हमारे आई एक्स वाई, आई वाई एक्स थे वो दोनों बराबर थे और वो इसके बराबर थे माइनस समेशन आई एम आई एक्स आई वाई आई, एक्स वाई वाई एक्स है तो यहाँ पर एक्स वाई ही आएगा, आई जेड वाई जो था वो था माइनस समेशन आई एम आई वाई आई जेड आई, आई एक्स जेड जो था हमारे पास आई जेड एक्स इज इक्वल टू माइनस समेशन आई एम आई एक्स आई जेड आई। ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसमें जो हमारे ऑफ डायगनल एलिमेंट्स हैं, डायगनल एलिमेंट्स तो ये हो गए हमारे पास तीन, ये तीन हो गए, और जो हमारे ऑफ डायगनल एलिमेंट्स हैं ये वाले तीन और ये वाले तीन, इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया। तो अगर आपने एल एक्स, एल वाई, एल जेड ये कैलकुलेट करना है तो आपको ये 9 एलिमेंट्स पहले फाइंड करने होंगे, उनको 3x3 मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करके इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आपको एल एक्स, एल वाई, एल जेड की वैल्यूज मिलेंगी, जो कि काफ़ी टीडियस प्रोसेस होगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इन 9 एलिमेंट्स को फाइंड करना। तो उसके इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलें, उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं कि हर रिजिड बॉडी के अंदर एक सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता है जिस एक्सिस के अबाउट ये 6 के 6 प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया जो हैं वो वैनिश हो जाते हैं, ऑफ डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, और उन्हीं कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और उन एक्सिस के अबाउट जो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो हम मान लेते हैं कि वो सेट ऑफ
म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं कुछ इस प्रकार से, ये हमारा वाई डैश है, ये हमारा एक्स डैश है, और ये हमारा हो जाएगा इधर जेड डैश। हमने मान लिया कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हैं, जिन प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो हैं इनर्शिया टेंसर में वैनिश हो जाएंगे और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स बचेंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स में जो हमारे पास तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे इन प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, उनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेक्शन में हम डेफिनेशन देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की, और प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसको हम प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सब कुछ देखेंगे अब हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इफ वी चूज द एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड इन द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जिनको हम प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, वैनिशिस एंड ओनली द डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन इन द इनर्शिया टेंसर, देन सच एक्सिस आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस वो सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं इनसाइड अ रिजिड बॉडी, जिन एक्सिस के अबाउट इनर्शिया टेंसर के जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाते हैं। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? ये तीन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये तीन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और इन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को हम प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई, एक्स जेड, वाई एक्स, जेड एक्स, जेड वाई और वाई जेड आ रहा है, तो इन्हें प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो उन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट ये प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया, ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो जीरो हो जाएंगे, और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो बचेंगे, यहाँ पर आई एक्स एक्स आएगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द रिजिड बॉडी। और हम मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं इस रिजिड बॉडी की, वो हैं एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम। तो इन तीनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहने वाला है इस रिजिड बॉडी का, उस मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया को हम बोलेंगे प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, एंड कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आर कॉल्ड प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। इफ वी डिनोट द प्रिंसिपल एक्सिस बाई एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जेड प्राइम, देन द इनर्शिया टेंसर इज। तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो इनर्शिया टेंसर होगा उसको हम डिनोट करेंगे आई डबल हेडेड एरो, ऊपर प्राइम लगा देंगे, और यहाँ से सभी डायगोनल एलिमेंट्स को हम कर देंगे वैनिश, मीन्स इनको कर देंगे हम जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट्स को हम यहाँ पर जीरो करने वाले हैं, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, 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 यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स वैनिश हो गए, प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया वैनिश हो गए। हम मान लेते हैं कि इस रिजिड बॉडी का जो एक्स प्राइम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है आई एक्स डैश एक्स डैश, वाई डैश एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिजिड बॉडी का वो है आई वाई डैश वाई डैश, और जेड डैश एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का वो है आई जेड डैश जेड डैश। तो यहां पर हमें एक्स के ऊपर डैश भी लगाने होंगे। दीज आर द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट थ्री प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द रिजिड बॉडी। तो यहां पर इनर्शिया टेंसर को डिनोट करेंगे आई डबल हेडेड एरो प्राइम के साथ। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो इनर्शिया टेंसर का एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आया था फॉर प्रिंसिपल एक्सिस, वो कुछ इस प्रकार से निकल के आया था। यहाँ पर ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो जीरो हो गए थे और हमारे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रह गए थे, और ये तीनों जो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हैं, ये हैं मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट थ्री प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द रिजिड बॉडी। सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, आई एक्स 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 प्राइम को डिनोट कर देते हैं आई वन से, इट इज़ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, और इसको डिनोट कर देते हैं आई टू से, और इसको डिनोट कर देते हैं आई थ्री से, इट इज़ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। जहाँ पर आई एक्स प्राइम को हमने आई वन लिख दिया, आई वाई प्राइम, आई वाई प्राइम को आई टू लिख दिया, आई जेड प्राइम को हमने आई थ्री लिख दिया। तो अब ये मान लेते हैं कि ये जो रिजिड बॉडी है,
तीनों में से किसी एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, चलिए हम मान लेते हैं कि बॉडी जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा रिजिड बॉडी का वो क्या रहेगा? इफ़ द रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ प्रिंसिपल एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर, देन एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर ऑफ द रिजिड बॉडी इज गिवन बाय, इस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा रिजिड बॉडी का वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कितनी है रिजिड बॉडी की। तो यहाँ पर एल वेक्टर को हम कंपोनेंट्स की टर्म में लिख देते हैं, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप इज इक्वल टू आई, ओमेगा वेक्टर को भी कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिख देते हैं, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, इस तरह से हमने लिख दिया। तो अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करें तो हमें मिलेगा एल एक्स इज इक्वल टू आई ओमेगा एक्स, ये मिल जाएगा। बट पिछले वीडियो में, पिछले टॉपिक में हमने एल एक्स का जो एक्सप्रेशन निकाला था वो क्या निकाला था, वो एक्सप्रेशन था आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड, ये एक्सप्रेशन हमने निकाला था एल एक्स का पिछले टॉपिक के अंदर, और इक्वल टू है ये आई ओमेगा एक्स के। तो यहाँ से ओमेगा एक्स और यहाँ से ओमेगा एक्स कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिलेगा आई एक्स एक्स माइनस आई और यहाँ ओमेगा एक्स आ जाएगा प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ से एल वाई का वैल्यू निकालें वो आ जाएगी एल वाई इज इक्वल टू आई ओमेगा वाई, और एल वाई की क्या वैल्यू निकाली थी हमने पिछले टॉपिक के अंदर, एल वाई की जो वैल्यू थी वो थी आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड, ये वैल्यू निकाली थी हमने एल वाई की पिछले टॉपिक में, जो हमने आपको आज के टॉपिक की स्टार्टिंग में भी आपको लिखवाई थी। तो यहाँ पर इक्वल टू है आई ओमेगा वाई, तो यहाँ से इस टर्म में से और इस टर्म में से अगर हम ओमेगा वाई कॉमन ले लें तो आपको मिल जाएगा आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई माइनस आई ओमेगा वाई कॉमन प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड इक्वल टू जीरो। इसे हम दे देते हैं ए इक्वेशन, इसे हम दे देते हैं बी इक्वेशन, ऐसी हमारी सी इक्वेशन बनेगी जब हम दोनों तरफ के कैप के कंपोनेंट्स कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए मुझे ये पोर्शन जो है वो रब करना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अब हम दोनों तरफ के कैप के कोफिशेंट कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा एल जेड इज इक्वल टू आई ओमेगा जेड। पिछले टॉपिक में हमने एल जेड की क्या वैल्यू निकाली थी, वो निकाली थी आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड इज इक्वल टू आई ओमेगा जेड। तो यहाँ से और यहाँ से ओमेगा जेड कॉमन आ जाएगा तो आपके पास ये इक्वेशन रिड्यूस होकर बन जाएगी इस प्रकार से, इसे हम देंगे सी इक्वेशन। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस बन चुकी हैं ए बी सी, इसके बाद थोड़ा सा काम और बचा है वो हम करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम ये तीन इक्वेशन जो हैं वो फाइंड आउट कर चुके थे, इन तीन इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द अबव इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड के कोफिशिएंट जो है वो आप इस ब्रैकेट में लिख देंगे और यहाँ पर ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड लिख देंगे इक्वल टू जीरो। जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही तीन इक्वेशंस मिलेंगी। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए जो आपको क्या करना होगा, आपको इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को जीरो पुट करना होगा। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, ये हमारी डी इक्वेशन होगी। ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस, और इसको सॉल्व करके
जो आपको वैल्यूज मिलेंगी इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो आई एन वैल्यूज होंगे। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, क्यूबिक इक्वेशन इन आई, और इसके तीन सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, तीन वैल्यूज आई की मिलेंगी। एक वैल्यू आई वन को कोरस्पॉन्ड करेगी, एक वैल्यू आई टू को कोरस्पॉन्ड करेगी, और जो तीसरी वैल्यू होगी आई की वो आपको आई थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी। और इन आई वन आई टू आई थ्री को हम बोलते हैं प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट्स, आप इन तीन प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आई वन आई टू आई थ्री के बेसिस पर रिजिड बॉडी को स्फेरिकल टॉप, सिमेट्रिक टॉप, एसिमेट्रिक टॉप एंड रोटर जैसी श्रेणियों में क्लासीफाई भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिजिड बॉडी डायनामिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।